सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। देखिए इसके बारे में अगर अपन बात करें, देखिए अधिक मेरिट के बावजूद भी शिक्षिका को गृह जिले में नियुक्ति नहीं, यानी कि एक शिक्षिका को गृह जिले में नियुक्ति नहीं दी गई है, लेकिन उसके मेरिट है उसमें अधिक नंबर है वो आए थे। देखिए जयपुर में आर्टिकल है वो प्रकाशित किया गया है। देखिए हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में अधिक मेरिट होने के बाद भी प्रार्थिया को गृह जिला है वो नियुक्ति नहीं देने के कारण प्रमुख जो शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर और उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी करके ये जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने प्रार्थिया के संभाग में एक पद खाली रखने का निर्देश है वो दिया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश रचना गुप्ता की याचिका पर दिया है। प्रार्थिया का चयन शिक्षक भर्ती में संस्कृत विषय में हुआ था और उसका मेरिट क्रमांक है वो 907 था, लेकिन उससे कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थियों को उसका गृह जिला है वो आवंटन कर दिया है, लेकिन प्रार्थिया को गलत तरीके से पाली जिला है वो आवंटित किया गया है। इसलिए देखिए इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि इनके जो मेरिट क्रमांक है वो 907 है, इसके बावजूद इतना मेरिट क्रमांक होने के बावजूद इसको दूसरा जिला है वो आवंटित किया गया है और इससे मेरिट क्रमांक है वो कम होने वाले अभ्यर्थियों को उनका गृह जिला आवंटित कर लिया गया, इसलिए इनके साथ में भेदभाव हुआ था। इसलिए इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके जवाब मांगा है और हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है कि इनको इनका गृह जिला है वो आवंटित किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यह सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया था, जो आपके साथ में साझा करना जरूरी था। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके।